Power doesn't corrupt people. People corrupt power. In short, I want to make a difference. And not a small one. Ahi Usman! Zindabad! Bombay. ये शहर किसी जंग के मैदान से कम नहीं था। सलमान की दबंग 4 फिल्म को लेकर आई बड़ी अपडेट। खुद सलमान ने बताया कब करेंगे रिलीज। सलमान खान की फिल्म दबंग उनके करियर को अलग लेवल पर ले गई। उनका कैरेक्टर चुबुल पांडे खूब मशहूर हुआ। दबंग के अभी तक 3 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं और चौथे पार्ट का इंतजार है। हाल ही में अरबाज खान ने कहा था कि दबंग 4 में अभी टाइम है, लेकिन सलमान खान का कहना है कि वो जल्दी दबंग 4 पर काम शुरू करेंगे। हाल ही में सलमान खान रवीना टंडन की फिल्म पटना शुक्ला की स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान सलमान ने दबंग 4 पर भी बात की। जब उनसे पूछा गया कि वो दबंग 4 पर कब से काम शुरू करेंगे, तो बोले बहुत जल्द, जैसे ही दोनों भाई एक स्क्रिप्ट पे लॉक हो जाएंगे। अरबाज खान कुछ और बनाना है हमें, कुछ और, जैसे ही एक स्क्रिप्ट पे लॉक हो जाएंगे उसके बाद दबंग रिलीज हो जाएगी। दबंग फ्रेंचाइजी की पहली किश्त को अभिनव कश्यप ने डायरेक्ट किया था। दबंग 2 के डायरेक्टर खुद अरबाज खान थे, वही तीसरे पार्ट का प्रभु देवा डायरेक्टर थे। इन तीनों ही फिल्मों को अरबाज ने ही प्रोड्यूस किया था। ऐसे में कहा गया कि दबंग 4 से किसी 7 इंडियन फिल्म मेकर को जोड़ा जा सकता है, मगर फिल्म की स्क्रिप्ट इटली लिखेंगे। इस तरह खबरों पर मिड डे से बात करते हुए अरबाज खान ने कहा था, ये सिर्फ अफवाह है कि इटली के साथ मेरी और सलमान की मुलाकात हुई। मैं इटली से अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला हूँ। मिलना छोड़िए, मैंने कभी उन्हें देखा भी नहीं है। जब तक आप सही शख्स से बात ना सुन लो, तब तक आपको उस बात का यकीन नहीं करना चाहिए। इस बातचीत में अरबाज ने दबंग 4 को आगे ले जाने की बात भी कंफर्म की, लेकिन साथ ही कहा कि फिलहाल उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है, मगर सही वक्त पर वो जरूर दबंग 4 बनाएंगे। अरबाज ने कहा, अभी मैं और सलमान दोनों ही हमारे प्रोजेक्ट्स के बीच में अटके हुए हैं। उन्हें साजिद नारियाडवाला के साथ फिल्म शूट करनी है। दबंग 4 के लिए सलमान खान तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे तब करूँगा जब सही वक्त आएगा। इंटरव्यू में अरबाज से ये भी पूछा गया कि क्या दबंग 4 को वो डायरेक्ट करेंगे। इस पर अरबाज ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं डायरेक्ट करूँगा या नहीं, मैं जरूर करना चाहूँगा, लेकिन इस पर फैसला नहीं लिया गया है। खैर, सलमान खान की पिछली रिलीज फिल्म टाइगर 3 थी। सलमान के आने वाली फिल्मों में कई नाम है, लेकिन मुहर सिर्फ AR मुर्गदास की फिल्म पर ही लगी है। सलमान ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट खुद की है।